नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे भारत में पनीर से कई तरीके की रेसिपी बनाई जाती है, जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर और भी कई तरीके की वैरायटीज रेसिपी बनाई जाती है। उन्हीं में से एक है पनीर की भुर्जी। ये भी रेसिपी बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो आज मैं रेशमी विद्यांत आपके सामने पनीर की भुर्जी की रेसिपी बनाने के लिए प्रस्तुत हुई, जो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से फटाफट से बनाकर तैयार करूंगी, जो कि बिगनर और बैचलर्स भी इजीली बना सकते हैं। और रही बात स्वाद की, तो इस बात का मैं 100% दावे के साथ बोल रही हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बस उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए हर स्टेप को समझते हुए आखिरी तक देखना पड़ेगा और आप भी इस जायकेदार पनीर की भुर्जी की रेसिपी को बना सकेंगे। तो इस पनीर की भुर्जी की रेसिपी को घर पर बनाकर मुझे अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जाकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आप पनीर की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालकर गरम कर लें, और जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें एक एक करके 1 टीस्पून जीरा और 3 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालें। वैसे तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और जब जीरा चटकने लगे तो इसमें 4 बड़े साइज़ के प्याज को इस प्रकार से बारीक काट कर डालें और लो टू मीडियम फ्लेम में चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लें। और जब प्याज हल्के हल्के फ्राई हो जाए तो इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर लो टू मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट और फ्राई करें। दो मिनट हो चुका है, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल से फ्राई हो चुका है, तो आप फ्लेम को लो करके इसमें मसाले ऐड करें। मसालों में 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, 1/3 टीस्पून जीरा पाउडर डालें, 1/3 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। ये मैं थोड़ा सा कलर लाने के लिए डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम करके तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और आखिरी में थोड़ा सा नमक डालें, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जल्दी से कुक हो जाए। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 मिनट लो फ्लेम में ढक कर कुक होने के लिए छोड़ दें। तो 2 मिनट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इसे चलाते हुए 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। फ्रेंड्स, आप इसमें कुछ सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, और सब्जियों को ऐड करने से पहले अच्छे तरीके से मसाले फ्राई कर लें। और मसाले फ्राई हो जाने के बाद टमाटर के साथ साथ बारीक कटे हुए थोड़ा सा गोभी, बारीक कटी हुई थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा मटर, बारीक कटे हुए थोड़ा सा गाजर, बारीक कटे हुए आलू भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और अच्छे तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने इन सारे चीज़ों को स्किप किया है। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। तो अब इसे मिक्स करके ढक कर लो फ्लेम में 5 मिनट टमाटर को कुक करें। पाँच मिनट हो चुका है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब इसे चलाते हुए इसमें 500 ग्राम पनीर डालें। पनीर को मैंने अच्छे तरीके से हाथों से मसल कर बारीक तोड़ लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके डाल सकते हैं, और साथ ही डालें इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक को आप संभल के डालें, क्योंकि प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में भी नमक पहले मैंने कुक होने के लिए डाला था। तो अब इसे थोड़ा सा चलाते हुए मिक्स करें और ढक कर लो फ्लेम में 5 मिनट कुक होने के लिए छोड़ दें।
5 मिनट हो चुका है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पनीर ने पानी छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, कुछ पनीर पानी छोड़ते हैं और कुछ पनीर पानी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर इस पनीर ने पानी छोड़ दिया है, इसलिए मैं इसे 1 मिनट हाई फ्लेम में चलाते हुए पानी को सुखा लूँगी। फ्रेंड्स, पानी को बहुत ज़्यादा मत सुखाइएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा सुखाएंगे तो पनीर स्टिकी हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल से टेस्टी नहीं लगेंगे। अगर आपका पनीर पानी नहीं छोड़ रहा है तो इस प्रोसेस को आप बिल्कुल से स्किप करें, इसको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं पनीर का पानी सूख चुका है, तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। आप चाहे तो इस टाइम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कुछ कटे हुए धनिया पत्ती डालकर मिक्स कर सकते हैं। मुझे गरम मसाला का फ्लेवर पर्सनली पनीर की भुर्जी में पसंद नहीं है और इसलिए इसे मैं स्किप कर रही हूँ। धनिया पत्ती मेरे पास नहीं है, इसलिए इसे भी मैं स्किप कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि कितनी आसानी से कम इंग्रेडिएंट से आप पनीर की सुपर डिलीशियस भुर्जी बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे आप पूरी, पराठा, रोटी, नान के साथ सर्व करें, मेहमानों को सर्व करें, ये बहुत ही यम्मी लगेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।